हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका नॉलेज फॉर सेवा चैनल पर। आज का वीडियो हमारा है 50 क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्म गटेशन इज़ गिवन बाय। टर्म गटेशन किसने दिया था? बर्गर स्टीन ने। नेक्स्ट, जिब्रेलिन वॉट डिस्कवर्ड बाई। जिब्रेलिन किसने डिस्कवर किया था? कुरुसोवा 1926 में। नेक्स्ट है, द प्लांट न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट जो कि ट्रांसलोकेट करता है स्टार्च को और शुगर को, वो है पोटेशियम। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या लेग्यूम क्रॉप। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम लेग्यूम क्रॉप में कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, मॉलिब्लिडनम का फंक्शन क्या होता है? तो मॉलिब्लिडनम का फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है मॉलिब्लिडनम। हार्डनेस ऑफ ग्राम डिटरमाइंड बाई। हार्डनेस ऑफ ग्राम डिटरमाइन करते हैं पर्लिंग इंडेक्स से। नेक्स्ट इज, व्हीट यूज्ड फॉर सूजी प्रिपरेशन। सूजी प्रिपरेशन के लिए जो व्हीट यूज़ होता है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम यूज़ होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट रिलीज इन। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी रिलीज हुई थी 1970 में। नेक्स्ट इज, ट्रिपल जीन ड्वार वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं दोस्तों? हीरा, मोती, अर्जुन। हीरा, मोती, अर्जुन ये ट्रिपल जीन ड्वार वेराइटी हैं। नेक्स्ट इस, हर्बिसाइड फॉर फेलेरिस माइनर कंट्रोल। फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए जो हर्बिसाइड है वो है आइसोप्रोटीरॉन। आइसोप्रोटीरॉन फेलेराइस माइनर को कंट्रोल करता है। ये फेलेरिस माइनर रीट क्रॉप में लगता है, ट्रिटिका मेस्टिवम में। नेक्स्ट इस, सुप्रभा एंड सुरुचि आर वेराइटी ऑफ। सुप्रभा और सुरुचि किसकी वैरायटी हैं? गार्लिक की वैरायटी हैं सुप्रभा और सुरुचि। नेक्स्ट, सेस्क्यू ऑक्साइड रिच ऑर्डर। सेस्क्यू ऑक्साइड रिच ऑर्डर है स्पोडोसोल। स्पोडोसोल ऑर्डर सेस्क्यू ऑक्साइड रिच ऑर्डर है। नेक्स्ट, टोटल इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। इंडिया में टोटल इरिगेटेड एरिया है 64.7 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली मैच्योरिंग सुमर मूंग वेराइटी। अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, विराट नाम है इसका। अर्ली मैचरिंग समर मूंग वेराइटी है ये विराट। नेक्स्ट इज, पिग इज़ मोनोगैस्ट्रिक एनिमल। पिग मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है। नेक्स्ट, मोनोगैस्ट्रिक मतलब इसमें ह्यूमन 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, मोनोगैस्ट्रिक है। नेक्स्ट, फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क में फैट कंटेंट होता है 1.5%, और टोन्ड मिल्क में होता है इसका डबल 3%, और नॉर्मल फैलो मिल्क में 7 to 8% अराउंड होता है। नेक्स्ट इस, वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो काफ इस प्रथम। इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो काफ प्रथम। इन विट्रो मतलब है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके करते, उसे इन विट्रो बोलते हैं। जो नेचुरल कंडीशन में होती है वो इन वीवो होता है। नेक्स्ट, द एडॉप्शन ऑफ हाई ईल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम इन इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन। हाई ईल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम इंडिया में आया था उस टाइम पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो 1966। नेक्स्ट, विच वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ स्पेड। स्पेड के हैंडल बनाने के लिए कौन सी लकड़ी यूज़ करते हैं? तो नेक्स्ट आंसर है बबूल, नीम और मैंगो की, और भी यूज़ होती हैं। जैसे प्लाईवुड के लिए क्वेश्चन आया था अभी इस साल, प्लाईवुड बनाने में कौन सी वुड यूज़ होती है? तो आंसर था उसका टीक। नेक्स्ट, सॉइल टर्निंग प्लाउ मेक द फरो ऑफ विच टाइप या शेप में। तो सॉइल टर्निंग प्लाउ होता है वो फरो बनाता है, तो किस शेप में बनाता है? वो एल शेप में बनाता है। नेक्स्ट इज, हिसार सुरखा इज हाइब्रिड ऑफ। हिसार सुरखा किसकी हाइब्रिड है? तो वो गुआवा की हाइब्रिड है। हिसार सुरखा गुआवा की हाइब्रिड है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का मेन फंक्शन होता है सॉइल को पल्वराइज करना। सॉइल को पल्वराइज करना। नेक्स्ट, एल्बिनिज्म इज द डिसऑर्डर ऑफ। एल्बिनिज्म बीमारी लगती है स्ट्रॉबेरी में, ये डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, बखर इज जनरली यूज्ड इन। बखर किधर यूज होता है? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट, अर्का श्वेता। अर्का श्वेता वेराइटी है, अर्का श्वेता ग्रेप्स की वेराइटी है दोस्तों। नेक्स्ट, एग्जेंथीमा। एग्जेंथीमा सिट्रस में लगता है, किसकी कमी से लगता है? कॉपर की कमी से एग्जेंथीमा होता है। नेक्स्ट, वाइट ग्रब हाइबरनेशन स्टेज। तो वाइट ग्रब इंसेक्ट है जो कि किस स्टेज पे हाइबरनेट करता है?
एडल्ट स्टेज पे आए, वाइट ग्रब होलो ट्राई किया, कंसेंगुनिया। नेक्स्ट इज फादर ऑफ जीरो टीलेज, जीरो टीलेज के फादर कौन है, ट्रिपलेट। नेक्स्ट इज परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में 8.16% एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप कॉल्ड, इंटरक्रॉप के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होती है जिसे एनिडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉप हैविंग हाईएस्ट टॉलरेंस टू बोरन, तो वो शुगर बीट है, शुगर बीट बोरन के लिए बहुत टॉलरेंट है ये, बोरन डेफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट हाई प्रोटीन रिच वैरायटी, हाई प्रोटीन रिच वैरायटी है धान की, सीआर धान 310। नेक्स्ट इज एल्बिडो फॉर राइस, राइस के लिए एल्बिडो कितना होता है, तो 12 होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूटेबल मॉइस्चर फॉर हार्वेस्टिंग वीट, वीट को हार्वेस्ट करने के लिए सूटेबल मॉइस्चर 15 to 30% है। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट कैरेट कल्टिवेटर फॉर कैनिंग एंड स्टोरेज, स्टोरेज और कैनिंग के लिए, डिब्बाबंदी के लिए एक्सीलेंट कैरेट कल्टिवेटर चैंटनी है। नेक्स्ट इज क्रेजी चिक डिजीज़, डेफिश किसकी कमी से होता है, तो क्रेजी चिक डिजीज़ विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों, क्रेजी चिक डिजीज़ विटामिन ई। नेक्स्ट इज फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट शीप, एडल्ट शीप का पहला क्लोन कौन था, डॉली, डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट शीप। नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन नोन एज एल्बिडो, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को क्या बोलते हैं, एल्बिडो, ऐसी रेडिएशन जो वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ पे पड़ के, वो एल्बिडो कहलाती है। नेक्स्ट इज क्लोरोसिस ऑफ मिड रिप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्लोरोसिस हो जाता है मिड रिप पे किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, किसकी, मैग्नीशियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल फाउंड नियर द कैनल बैंक्स एल्केलाइन, एल्केलाइन सॉइल जो कि नियर कैनाल बैंक्स नहरों के पास में होती है उसको बोलेंगे एल्केलाइन सॉइल, ज़्यादातर एल्केलाइन होती है। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन, तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगी और एल्गी के बीच में। लाइकेन से इंडिकेटर जो होते हैं ब्लू इंडिकेटर जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं, तो वो इंडिकेटर्स बनते हैं लाइकेन से ही। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड ऑफ एग्जॉटिक काउ ब्रीड इज, तो कौन सी काउ ब्रीड की, एग्जॉटिक काउ ब्रीड की लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है, वो है जर्सी। नेक्स्ट आइसोपॉम वॉज स्टार्टेड इन, आइसोपॉम कब स्टार्ट हुआ था, 2004 में स्टार्ट हुआ था, 2004। नेक्स्ट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इन इंडिया, इंडिया में कोस्ट लाइन लंबाई कितनी है, 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट इज पी एच ऑफ लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल का पी एच कितना होता है, लेस देन 5.5। नेक्स्ट इज पीट सॉइल इज, पीट सॉइल कैसी होती है, एसिडिक होती है दोस्तों, पीट सॉइल इज एसिडिक, पीट सॉइल इज एसिडिक। नेक्स्ट इज बर्ड फ्लू कॉज्ड बाय व्हाट, तो बर्ड फ्लू कॉज्ड बाय एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्टेड इन, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES 1953 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इंडियन हिल ट्राउट, इंडियन हिल ट्राउट इज मैरियस बाला, इंडियन हिल ट्राउट है ज़्यादातर ये हिल्स पे पाई जाती है, माउंटेन के वाटर्स पे ठंडे पानी में, इसलिए इसको हिल ट्राउट बोलते हैं, मैरियस बाला इसका नाम है दोस्तों। ये फिशरी से क्वेश्चन है इसलिए फिशरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइड सेक्टर से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार, फिशरीज से, सॉइल साइंस से, एक ज़्यादातर एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर डोमिनेट कर रही है एफओ में, इसलिए आपको फिशरीज़ है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इनको स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है। वैसे तो आपको सबको ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, बट फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस और ये करेंट का डाटा भी थोड़ा बहुत आता है, करेंट के डाटा में वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं जो भी फार्मर्स है वो हेल्प कर सके, मतलब कि ज़मीनी स्तर पे किसानों की मदद करें इनकम को बढ़ाने में, उन बेसिक्स पे ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाते हैं, ऊपरी ऊपरी पूछते हैं, तो आपको पढ़ना थोड़ा बहुत ऐसे गेन करना है जो आपको ज़मीनी स्तर पे नॉलेज दे, किसानों की
इनकम कैसे बढ़ाई जा सके 2022 तक, इसलिए वैसे आपको ज़मीनी स्तर पे सीखना है चीज़ों को। लाइफ स्पैन ऑफ वुडन बोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ वुडन बोट 20 to 25 years, 20 से 25 साल। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं डाउट्स अपने, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देंगे। थैंक यू दोस्तों।